नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो चैप्टर 14 है, अध्याय 14 है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत बदलाया गया है कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की जाती है या फिर सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय के समक्ष या अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष जब कार्यवाहियां प्रारंभ की जाती हैं, तो कार्यवाहियां प्रारंभ करने से पहले जो है कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है, कुछ शर्तें अपेक्षित हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। इस चैप्टर में उन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, इस चैप्टर में जो है टोटल 12 सेक्शन है, 12 धाराएं हैं, सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 199 तक। अब इसके अंतर्गत जो है हमने अध्ययन की दृष्टि से इन 12 सेक्शंस को, 12 धाराओं को जो है 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके जो है 4 खंड हमने कर दिए हैं, जिससे कि हम आसानी से इसको समझ भी पाए और इसको याद भी कर पाए। जिसका पहला पार्ट जो है यह बताता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, जो कि सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 192 तक प्रोवाइडेड हैं। फिर इसके बाद जो हमारा पार्ट सेकंड है, जिसमें बताया गया है सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, जो कि सेक्शन 193 और सेक्शन 194 में उल्लिखित हैं। फिर इसके बाद जो हमारा पार्ट थर्ड है, जिसमें हमने बतलाया है लोक न्याय के विरुद्ध अपराध या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराध या लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान से संबंधित अपराध जो हैं, उनमें कार्रवाइयां जब प्रारंभ करनी है तो ऐसी कार्रवाइयां प्रारंभ करने के लिए क्या अपेक्षित शर्तें हैं, जिसका उल्लेख जो है पार्ट थ्री में है और सेक्शन है सेक्शन 195। इसमें केवल एक ही सेक्शन हमको देखना है। और फिर इसके बाद जो हमने फोर्थ पार्ट किया है, चौथा पार्ट किया है, जिनमें हमने विशेष प्रकार के अभियोजन का उल्लेख यहां पर है सेक्शन 196 से लेकर सेक्शन 199 तक। उन विशेष अभियोजनों में क्या कार्रवाइयां हैं, क्या अपेक्षित कार्रवाइयां हैं, उन अभियोजनों को प्रारंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए यह प्रावधान उल्लिखित हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं आज का हमारा यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों चैप्टर 14 का जो पार्ट फर्स्ट हमने बनाया है, जिसके अंतर्गत हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों को रखा है। इस पार्ट के अंतर्गत जो है 3 धाराएं हैं, सेक्शन 190, सेक्शन 191 और सेक्शन 192। ये तीनों धाराएं जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाइयां शुरू करने के लिए जो है अपेक्षित शर्तों का उल्लेख करती हैं। सबसे पहले हम देखें सेक्शन 190 धारा 190, यह बताती है मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। अब इस सेक्शन में जो है दो बातें बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एडीजे का एग्जाम हो, एडीजे के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, चाहे सिविल जज का एग्जाम हो और चाहे एडीपीओ का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में जो है सेक्शन 190 से क्वेश्चन आया है। इसके अंतर्गत जो है दो बातें बतलाई हैं, पहला कि कौन कौन सा मजिस्ट्रेट जो है अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है, किस किस को शक्ति है कि वह अपराध का संज्ञान ले सकता है, और दूसरी बात यह बताई है कि किन आधारों पर वह मजिस्ट्रेट जो है अपराधों का संज्ञान ले सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं इस धारा के अंतर्गत। तो सबसे पहले है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है यह अपराधों का संज्ञान ले सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है अपराधों का संज्ञान अपने पद रूप में ही इसको शक्ति है कि यह अपराधों का संज्ञान ले सकता है जो इसके जुरिडिक्शन में घटे हैं। इसके बाद जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है तभी अपराधों का संज्ञान ले सकता है जब इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब द्वारा इसे विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। अब यहां पर इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या,
कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को तो पद रूप में ही शक्ति है कि वह अपराध का संज्ञान ले सकता है, लेकिन द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को यहां पर जो है तभी यह सशक्त है या तभी यह अपराध का संज्ञान ले सकेगा जब सेक्शन 190 की उपधारा 2 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सीजीएम साहब जो है इसे विशेष रूप से सशक्त करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन दशाओं में ये जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, किन किन कंडीशन में, किन किन दशाओं में ये जो है अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, संज्ञान से यहां पर तात्पर्य है मजिस्ट्रेट की नॉलेज में आना, मजिस्ट्रेट के ज्ञान में आना, जिससे कि वह आगे कार्यवाही कर सके। तो यहां पर जो है आधार दिए गए हैं, क्या क्या आधार है? सबसे पहला आधार है परिवाद प्राप्त होने पर, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट को परिवाद करता है, कंप्लेंट करता है, तो उन तथ्य परिस्थितियों से अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अपराध घटित हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है, अपराध का संज्ञान ले सकता है। इसके बाद जो है पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब कि सेक्शन 173 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट बनाई गई है और वो पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश की जाती है, उसको देखने के बाद या उसके आधार पर भी मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है, अपराध का संज्ञान ले सकता है। तीसरे नंबर पे हम देखें पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर। अब यहां पर ध्यान रखिए, पुलिस अधिकारी के अलावा ना कंप्लेंट है, ना यहां पर पुलिस रिपोर्ट है, इसके अलावा जो है कोई व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट को क्या करता है, किसी अपराध के बारे में जो है इत्तला देता है कि अपराध घटित हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मजिस्ट्रेट जो है तथ्य और परिस्थितियों को उसे ऐसा लगता है कि अपराध घटित हुआ है, तो यहां पर मजिस्ट्रेट जो है उस अपराध का संज्ञान भी ले सकता है। इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है, स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है, या फिर मजिस्ट्रेट को स्वयं की जानकारी कहीं से हो जाए, किसी भी गोपनीय सूत्र से हो जाए कि कहीं पर कोई अपराध घटित हुआ है, तो उसका संज्ञान भी मजिस्ट्रेट जो है यहां पर ले सकता है। अब आप यहां पर जो है थोड़ा दिमाग में बनाइएगा कि सेक्शन 190 का सब क्लॉज 1 का सी, मतलब सेक्शन 190 का सब क्लॉज नंबर सी जो है, यह उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जहां पर कि कोई मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कैसे ले रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की सूचना पर, मतलब कि ना पुलिस रिपोर्ट है ना कंप्लेंट है, केवल किसी व्यक्ति ने जो उसे सूचित कर दिया, उसके आधार पर उसने संज्ञान ले लिया, और इसी के साथ साथ उसने जो है अपने स्वयं की, मतलब कि मजिस्ट्रेट को कहीं से जो है अपने स्वयं की जानकारी हो गई मजिस्ट्रेट को किसी गोपनीय सूत्र से, वहां उसने संज्ञान ले लिया। अब इन दोनों कंडीशन के लिए जो कि सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 के सी में उल्लिखित है, इन दोनों कंडीशन के लिए विशेष बात जो है सेक्शन 191 में बताई गई है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कौन सी सेक्शन? सेक्शन 190 का सब क्लॉज 1 का सी के अंतर्गत जिन आधारों पर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट लेता है उसके बारे में जो है सेक्शन 191 आगे कुछ प्रोविजन करती है। क्या कहती है? ये कहती है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, मतलब कि जब कभी भी कोई अभियुक्त जो है इन आधारों पर संज्ञान लिया गया है मजिस्ट्रेट ने, किन आधारों पर? जो है पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति किसी से प्राप्त होने पर इत्तला पर, मतलब कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने इत्तला दी है उस आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है, या फिर मजिस्ट्रेट ने स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया है, तो सेक्शन 191 यहां पर यह बताती है कि वह अभियुक्त, जिसको अभियुक्त बनाया गया है, वह उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है अपना मामला अगर चलवाना नहीं चाहता, तो यहां पर जो है मजिस्ट्रेट उस मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। अब आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि भाई देखिए, न्याय प्रदान करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अब ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति अभियुक्त है, वो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर ये शंका उत्पन्न हो जाए, कैसी भी शंका उत्पन्न हो जाए कि कोई मजिस्ट्रेट जो है उसके मामलों में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति पर यहां पर प्रोविजन ये दिया गया है कि वह अभियुक्त जो है क्या कर सकता है, आवेदन दे सकता है मजिस्ट्रेट को कि भाई हम जो है अपना मामला जो है आपके समक्ष चलवाना नहीं चाहते हैं, आप इसको जो है किसी अन्य को
अंतरित कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो सेक्शन 191 में जो है यही प्रावधान है कि अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। तो अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण का कौन सी कंडीशन में होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 190 के क्लॉज 1 के सी के अंतर्गत जिन आधारों पर मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति जो है क्या कर सकते हैं, अपने मामले को जो है अंतरित कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब यहां पर जो है मजिस्ट्रेट के ऊपर एक लायबिलिटी डाली गई है, बात समझिएगा कि अभियुक्त के कोई साक्ष्य लेने से पहले, मतलब मजिस्ट्रेट जो है जब अभियुक्त का साक्ष्य लेने जाएगा, जब अभियुक्त का साक्ष्य लेगा तो साक्ष्य लेने से पहले वो जो है अभियुक्त को यह बताएगा कि भाई आपका जो है मामला इस प्रकृति का है कि आपको यह स्वतंत्रता है कि अगर आप ये मामला हमारे समक्ष नहीं चलवाना चाहते, अंतरित कराना चाहते हैं तो आप जो है अंतरित करा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर अभियुक्त ने आवेदन कर दिया है तो वह मजिस्ट्रेट जो है उस मामले को किसी अन्य को अंतरित कर देगा। अगर वह अभियुक्त जो है कोई आपत्ति नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट जो है क्या करेगा, आगे कार्यवाही करेगा। बात क्लियर हुई कि अगर वह व्यक्ति जो है कोई आपत्ति नहीं लेता है तो वहां पर मजिस्ट्रेट फिर आगे कार्रवाई करेगा, साक्ष्य वगैरह लेगा और भी जो कार्रवाइयां वो करेगा। लेकिन अगर उस अभियुक्त ने अगर शंका जता दी है, उसने अगर अपना मामला ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन कर दिया है तो यहां पर मजिस्ट्रेट उस मामले को अंतरित कर देगा सेक्शन 191 के अंतर्गत। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 192। यह बताती है मामला मजिस्ट्रेटों के हवाले कर रहा है। बात समझिएगा, देखिए किसी भी जिले में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है जुडिशरी का, वह होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है यह सीनियर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होता है। मतलब होता तो ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही, पर सीनियरिटी के कारण इसको जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दिए जाते हैं, कुछ विशेष अलग से शक्तियां दे दी जाती हैं जिससे कि यह जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन भी करता है। तो यहां पर जो है सीजेएम साहब, इंपॉर्टेंट बात है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कर लेने के पश्चात, मतलब कि जब सीजेएम साहब ने अपराध का संज्ञान ले लिया तो उसके बाद, क्योंकि सीजेएम साहब के पास बहुत सारे काम रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, पूरे थानों को भी मैनेज करना है बहुत सारे, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकता है, संज्ञान लेने के बाद अपने उस मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट जो कि उसके सबऑर्डिनेट है, सीजेएम के जो भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट हैं उनको वह मामला क्या कर सकता है, उनको मामला हवाले कर सकता है, दे सकता है जांच विचारण के लिए। भाई संज्ञान सीजेएम साहब ने ले लिया, अब सीजेएम साहब ने संज्ञान ले लिया लेकिन जांच विचारण के लिए सीजेएम साहब को ऐसा लगता है कि कोई अन्य जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उससे करा लेना चाहिए। तो यहां पर जो है सीजेएम जो है मामले को जांच विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिए वो मजिस्ट्रेट उस मामले को सुनने के लिए सक्षम होना चाहिए, किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को जांच विचारण के लिए अंतरित कर सकता है सेक्शन 192 के अंतर्गत। अब यहां पर जो है यह भी बताया है कि सीजेएम ने अगर किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा करने के लिए सशक्त कर रखा है कि वह जो है किसी मामले का संज्ञान ले ले और संज्ञान के बाद अगर जांच विचारण वह अपने किसी अधीनस्थ से कराना चाहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो वह उसको भी यहां पर मामले को अंतरित कर सकता है, मामले को हवाले कर सकता है। तो इस सेक्शन में आप ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 192 के अंतर्गत कि सीजेएम जो है क्या कर सकता है, अपने अधीनस्थ किसी जो मजिस्ट्रेट है उसको जांच विचारण करने के लिए मामले को हवाले कर सकता है, लेकिन कब, संज्ञान लेने के बाद, संज्ञान लेने के लिए नहीं करेगा, संज्ञान लेने के बाद, सीजेएम ने संज्ञान ले लिया उसके बाद वो मामले को अपने अधीनस्थ को जो है हवाले कर सकता है जांच विचारण के लिए। यही पावर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी है, लेकिन कब, जब सीजेएम साहब ने उसे विशेष रूप से सशक्त कर दिया है कि वह सेक्शन 192 की कार्रवाई या सेक्शन 192 के तहत मामलों को हवाले कर सकता है। तो यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी संज्ञान लेने के बाद अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है, जांच विचारण करने के लिए जो है मामले को
हवाले कर सकता है, दे सकता है। तो मित्रों इस सेक्शन में जो है यह सारी अपेक्षाएं, इन सब अपेक्षाओं को पूर्ण करने के बाद ही आगे की कार्यवाहियां की जाती हैं, आगे जो भी प्रोसीडिंग है वह सब की जाती है। सबसे पहले इन तीन कंडीशन जो धाराएं हैं इनकी अपेक्षाएं पूर्ण करना आवश्यक है। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट सेकंड पर, क्या कहता है पार्ट सेकंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों चैप्टर 14 का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने सेशन न्यायालयों या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीशों के समक्ष कार्रवाइयां शुरू करने के लिए जो अपेक्षित शर्तें हैं उनके बारे में जो प्रावधान है उनको हमने पार्ट सेकंड में रखा है। मित्रों इस पार्ट के अंतर्गत जो है दो धाराएं हैं, सेक्शन 193 और सेक्शन 194। सेक्शन 193 यहां पर जो है सेशन न्यायाधीशों के या सेशन न्यायालयों के बारे प्रावधान करते हैं। ध्यान रखिएगा किसके बारे प्रावधान करती है सेक्शन 193, सेशन न्यायालयों के बारे प्रावधान करती है। वहीं हम देखें सेक्शन 194 को, ये जो है अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को किस संबंध में प्रावधान करती है, किस अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश जो है मामले जब उनके हवाले किए जाते हैं उनका जो है कार्रवाई करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रावधान देखते हैं सेक्शन 193 के, क्या इसमें जो इसकी वर्डिंग्स है। तो ये कहता है अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। बहुत सिंपल सी बात है, हर न्यायालय की अपनी एक आरंभिक अधिकारता होती है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। जैसे हमने अभी इसके पहले वाले पार्ट में देखा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है अपनी आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत किसी मामले को सीधे ही संज्ञान ले सकता है, चाहे वो परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर या उसके स्वयं की जानकारी पर या पुलिस अधिकारी से अन्य भिन्न किसी व्यक्ति की जानकारी पर। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन अपनी जो है आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत जो है किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। लेकिन वही हम सेशन न्यायालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा जब तक कि इस सीआरपीसी में या किसी अन्य विधि में प्रावधान ना हो तब तक यह जो सेशन न्यायालय है या हमारे जो सेशन न्यायालय हैं वह किसी मामले का विचारण ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत या हम कहें कि आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत तब तक किसी मामले का संज्ञान नहीं लेंगे जब तक कि वह मामला उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कमिट ना किया गया हो, सुपुर्द ना किया गया हो। मतलब कि जो एग्जाम में प्रश्न आता है कि सेशन न्यायालयों को मामला जो है कैसे संज्ञान लेते हैं, तो सेशन न्यायालय मामला जो संज्ञान लेते हैं वह किसी सक्षम अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा कमिटल पर मामलों का संज्ञान लेते हैं। जो मामले उनको कमिट किए गए हैं, सुपुर्द किए गए हैं, उन मामलों का संज्ञान जो है सेशन न्यायालय लेते हैं। लेकिन अगर किसी विधि के अंतर्गत कई व्यवस्था कर दी गई है कि कोई सेशन न्यायालय जो है अपनी आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत किसी मामले को डायरेक्ट ले सकता है, तो वो उन विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों को छोड़कर या फिर हमारी सीआरपीसी में भी कुछ सेक्शन हैं जहां पर व्यवस्था की गई है कि सेशन न्यायालय जो है किसी मामले का डायरेक्ट विचारण जो है कार्रवाई कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। कौन सा है? सेक्शन 199 का सब क्लॉज 2। अभी हम देखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में सेक्शन 199 के सब क्लॉज 2 में जो है मानहानि के संबंध में कुछ प्रावधान है, इंपॉर्टेंट प्रावधान है। वहां पर सेशन न्यायालय जो है बगैर सुपुर्दगी के मामलों का संज्ञान लेता है। लेकिन सामान्य जो प्रक्रिया है वह क्या है कि सेशन न्यायालय जो है किसी मामले का संज्ञान अपनी आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत कैसे लेता है, सुपुर्दगी पर लेता है, कमिटल पर लेता है। अब यहां पर एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, गांगुला अशोक वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2000 SC 740। यह केस जो है SC ST एक्ट के अंतर्गत जो मामले हैं उनके अंतर्गत आता है। इस केस के अंतर्गत जो है कि जो सेशन न्यायालय था, क्योंकि SC ST एक्ट में जो है सेशन न्यायालय को ही विशेष न्यायालय के रूप में जो है शक्तियां अधिरोपित की गई हैं, विशेष न्यायालय माना गया है या पावर दिए गए हैं, तो वहां पर सेशन न्यायालय ने जो है
SC ST एक्ट के अंतर्गत मामले को जो है बगैर कमिटल पर ही संज्ञान ले लिया था। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेशन न्यायालय जो है SC ST एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों को भी डायरेक्ट जो है बगैर कमिटल पर या बगैर सुपुर्द किए संज्ञान नहीं ले सकता है। सेशन न्यायालय उन्हीं मामलों का संज्ञान ले सकता है जो कि उसे सुपुर्द किए जाएं। यहां पर जो रीजन था वो ये था कि सेशन क्योंकि SC ST एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि सेशन न्यायालय को या विशेष न्यायालय को डायरेक्ट मामला जो है संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत करता हो, क्योंकि वहां पर जो है केवल इतना कहा गया है कि विशेष न्यायालय जो है सेशन न्यायालय को ही राज्य सरकार प्राधिकृत कर सकती है। अब इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 194 पर। यह कहती है अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश उन्हीं मामलों का संज्ञान या उन्हीं मामलों में विचारण करते हैं जो मामले उन्हें सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए, हवाले किए गए हैं। बात समझ में आ रही है? सेशन न्यायालय द्वारा जो मामले अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को हवाले किए गए हैं उन्हीं मामलों में विचारण करता है, या फिर हाई कोर्ट ने जो है उच्च न्यायालय ने अगर कोई मामला डायरेक्ट इनके हवाले किया है तो उनको भी यह विचारण कर सकते हैं। तो इसके बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत दिए, हम रीड कर लेते हैं सेक्शन को, क्या कहती है। अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके हवाले करता है, या जिसका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। मतलब कि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश किन मामलों का विचारण कर सकते हैं? पहली कंडीशन है कि इन्हें जो है सेशन कोर्ट द्वारा जो है मामले इनको हवाले किए गए हो, और दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट ने जो है इन्हें विशेष रूप से किसी मामले को निर्देश के द्वारा इनके हवाले किया हो, उन मामलों को यह न्यायालय जो है अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश इनका विचारण कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको आप ध्यान रखिएगा, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, बहुत फेमस केस है, लीडिंग केस है, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, AIR 1988 SC 1883। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया कि अपर सेशन न्यायाधीश एवं सहायक सेशन न्यायाधीश जो है विशेष न्यायालय के रूप में इनको जो है हाई कोर्ट किसी मामले को सुपुर्द कर सकती है और वह मामला यह विचारित कर सकते हैं। तो यहां पर जो है इस केस में यह कहा गया। अब मित्रों यहां पर हमारा जो पार्ट सेकंड है कंप्लीट हो, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, क्या इंपॉर्टेंट बात करता है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मित्रों चैप्टर 14 का जो हमारा अगला पार्ट है, पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत हमने जो है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए अगर कोई अभियोजन लाना है तो उसमें क्या शर्तें अपेक्षित हैं, इसी के साथ साथ साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अगर कोई अपराध किया गया है, जैसे कि जो है कूटरचित दस्तावेज पेश की गई है या दस्तावेज के साथ कोई जो है ऐसा कार्य किया गया है जो कि IPC के अंतर्गत अपराध है, और इसी के साथ साथ लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन के लिए अगर कोई अभियोजन लाना है तो उसमें क्या शर्तें अपेक्षित हैं, इसके बारे में जो है पार्ट थर्ड हमको बतलाता है, जिसमें केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 195। मित्रों यहां ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 195 पर हमने एक पार्ट स्पेशली पार्ट थर्ड इसीलिए बनाया क्योंकि इस सेक्शन से जो है कई बार MPADJ के मेंस में क्वेश्चन आया है, तो यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मित्रों सेक्शन 195 जो है यह इसके अंतर्गत जो है चार उपधाराएं हैं, 4 सबसेक्शंस हैं। अब हम इनको अध्ययन कैसे करें, तो देखिएगा मित्रों सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो है 2 खंड है, खंड का और खंड खा। अब बेसिकली इस सेक्शन में जो प्रोविजन है यह खंड का और खा के लिए ही है। खंड का के अंतर्गत बतलाया गया है कि अगर कोई लोक सेवक के समक्ष उपरोक्त वर्णित अपराध करता है तो अभियोजन अगर लाना है
लोक सेवक के समक्ष अगर किसी व्यक्ति ने जो है उसके प्राधिकार का अवमान किया है तो अभियोजन लाना है, या कोई मिथ्य दस्तावेज पेश किए हैं तो अभियोजन लाना है, या ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण किया है तो अगर अभियोजन लाना है तो उसके संबंध में प्रावधान जो है सबसेक्शन 1 के ए में काम में प्रोवाइडेड है। और इसी के साथ साथ अगर हम बी पॉइंट की बात करें, खा पॉइंट की बात करें, तो इसमें जो है न्यायालय के समक्ष अगर कोई अपराध किया गया है, जैसे कि न्यायालय के समक्ष जो है किसी व्यक्ति ने क्या किया है, मिथ्य साक्ष्य दिए हैं, या फिर जो है न्यायालय का जो लोक न्याय का जो काम है उसमें अगर बाधा उत्पन्न करी है, इसी के साथ साथ कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित कोई अपराध किया है न्यायालय में, तो यहां पर जो है अगर अभियोजन लाना है ऐसे अपराध के लिए तो वहां पर कार्यवाही कैसे होगी। अब इसको आप समझिएगा इस पूरी सेक्शन को कि भाई सेक्शन 1A के अंतर्गत लोक सेवक के संबंध में प्रावधान है, और सेक्शन सब क्लॉज 2 जो है इसका, यह जो है लोक सेवकों के संबंध में ही प्रावधान करती है, तो हमने यहां पर इसको एक साथ रखा है सबसेक्शन 1A के साथ सबसेक्शन 2। और इसी के साथ अगर हम सबसेक्शन बी को देखें जिसमें न्यायालय के संबंध में प्रावधान है, तो इसके बाद जैसे सबसेक्शन 2 यहां आ गई तो सबसेक्शन 3 और 4 जो है वह न्यायालय के संबंध में है, तो उसका एक सेट अपन यहां पर बनाकर अध्ययन करेंगे। तो मित्रों चलिए देखते हैं क्या कहती है सबसेक्शन 1 का पार्ट ए जो है खंड का जो है क्या कहता है। यह कहता है कोई न्यायालय आईपीसी की धारा 172 से सेक्शन 188 तक, मतलब कि सेक्शन 172 से सेक्शन 188 तक आईपीसी में जो अपराध हैं वो अपराध हैं लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, अगर इन अपराधों के अधीन किसी दंडनीय किसी अपराध का किया जाना अगर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में, या फिर यहां पर उन्होंने बताया कि भाई अगर ऐसे उपरोक्त वर्णित अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, प्रयत्न किया गया है, या आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेगा तो कैसे लेगा, तो यहां पर बताया गया है संज्ञान संबंधित लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी लोक सेवक का अवमान से संबंधित कोई कार्रवाई है या लोक सेवक का अवमान किया गया है तो उसके लिए अगर अभियोजन लाना है तो इस सेक्शन में बताया गया है कौन कौन ला सकता है। वह लोक सेवक जिसके समक्ष या जिसके लोक प्राधिकार का, या हम कह सकते हैं जिसका कि विधिक प्राधिकार का अवमान किया गया, वो लोक सेवक खुद परिवाद कर सकता है, या फिर वह लोक सेवक जिस सीनियर लोक सेवक के सबॉर्डिनेट है अधीनस्थ है वह भी जो है परिवाद कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो यहां पर जो है ये दो अधिकारियां, ध्यान रखिएगा कितने अधिकारी हैं, दो हैं, कौन कौन, वो लोक सेवक स्वयं और उसका जो भी सीनियर है जिसके वो सबॉर्डिनेट है। अब इसी के साथ साथ हम सब क्लॉज 2 को भी यहां पर देखेंगे, उपधारा 2 को भी यहां पर देखेंगे, इसमें बताया गया है जहां किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा 1 का के अधीन, मतलब उपधारा 1 का मतलब है ऊपर जो हमने अभी देखा के अधीन कोई परिवाद किया गया है, वहां ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जिस लोक अभियोज जिस पब्लिक सर्वेंट का प्राधिकार का अवमान किया गया है तो ऐसी कंडीशन में अगर वह न्यायालय में परिवाद लाता है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो यहां पर जो है उसका जो सीनियर अथॉरिटी है जिसके वह सबॉर्डिनेट है वह उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है। इसी के साथ साथ जब वो परिवाद देने का आदेश देता है सीनियर अथॉरिटी, तो यहां पर जो है उसकी एक प्रति वो न्यायालय में भेज देगा और न्यायालय में कार्रवाइयां बंद कर दी जाएंगी। लेकिन इस सिद्धांत का एक परंतुक है, परंतुक ये बोलता है कि ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम वार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है। सिंपल सी बात है, जो प्रथम वार का न्यायालय जिसने मामले का संज्ञान ले लिया था उसमें अगर कार्यवाही समाप्त हो गई है, उसने पूरी ट्रायल चला ली है, अब इसके बाद जो है ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उपधारा 2 के अंतर्गत जो प्राधिकृत कह सकते हैं सीनियर अधिकारी है उसको जो पावर दिया गया है मामले को वापस लेने का वह यहां पर नहीं कर सकता है।
तो मित्रों सबसेक्शन 1A के अंतर्गत ये सारे प्रावधान है, और सबसेक्शन 1A को आप जो है सबसेक्शन 2 के साथ पढ़िएगा, पूरा की पूरा लॉ यहां पर क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम सबसेक्शन 1 का बी देखते हैं, खा देखते हैं, जिसमें न्यायालय के संबंध में प्रावधान ये कहता है, कोई न्यायालय आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं, निम्नलिखित धाराओं मतलब नीचे हमने इसको वर्णित किया, ध्यान रखिएगा यहां पर हमने इस सेक्शन में कुछ मॉडिफाइड कर दिया है जिससे कि समझ में आया, मतलब कि आपको जो है जो बेयर एक्ट में आप सेक्शन देख रहे हैं उसको हमने कुछ परिवर्तन करके, कुछ जो है एलिमेंट परिवर्तित नहीं किए हैं, हमने भाषा परिवर्तित कर दी है जिससे कि समझ में आ जाए। तो यहां पर हमने क्या बताया, आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं का संज्ञान ऐसे न्यायालय के या ऐसे न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित प्राधिकार करे। बात समझिएगा, दो बातें आ गई यहां पर। पहली बात, जिस न्यायालय का या जिस न्यायालय के अंतर्गत आईपीसी के वर्णित कौन से अपराध जो नीचे वर्णित हैं वह अपराध किए गए हैं वो न्यायालय स्वयं परिवाद कर सकता है। दूसरे नंबर पर उस न्यायालय ने अगर किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर दिया है वह भी क्या कर सकता है, परिवाद कर सकता है। और तीसरी बात यहां पर कही गई है, किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि तीसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति वह सीनियर न्यायालय है जिसके यह न्यायालय अधीनस्थ है। तो देखिए यहां पर हमने लोक सेवक के संबंध में देखा तो दो लोग हैं, कौन कौन है, एक तो वो लोक सेवक स्वयं और उसका सीनियर अधिकारी जिसके वह अधीनस्थ है, लेकिन यहां पर तीन लोग हैं जिनके परिवाद पर मामला चल सकता है। पहला वो न्यायालय स्वयं, दूसरा उस न्यायालय ने अगर किसी को प्राधिकृत कर रखा है तो वो, और तीसरा वह न्यायालय जिसके अधीनस्थ है। तो ये तीन लोग जो हैं निम्नलिखित अपराध जो नीचे अपराध वर्णित हैं, इन अपराधों का अगर यह उस न्यायालय में ये अपराध किए गए हैं तो उस अपराध के लिए न्यायालय में क्या कर सकते हैं, जो भी क्षेत्राधिकारता वाली न्यायालय है उसमें अभियोजन चलाने के लिए परिवाद दायर कर सकते हैं। देखिए ये भी परिवाद पर है, लिखित परिवाद पर मामला दायर कर सकते हैं। अब वो आईपीसी के अपराध कौन कौन से देख लेते हैं। यहां पर आईपीसी की धारा 193 से लेकर 196 तक, सेक्शन 199, 200, 205 से लेकर 211 और सेक्शन 228, बेसिकली अगर इन सभी सेक्शंस को देखें तो ये सारी की सारी सेक्शन जो है मिथ्य साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध से संबंधित हैं। तो हमने जो है इनको एक ग्रुप के साथ यहां पर रख दिया है। और दूसरे नंबर पर देखें आईपीसी की धारा 463 या 471, 475, 476, ये जो धाराएं हैं यह धाराएं किससे संबंधित है, दस्तावेजों की कूट रचना से संबंधित, अपराधों से संबंधित धाराएं हैं। तो इन दोनों धाराओं में और इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर उपरोक्त धाराओं का प्रयत्न मतलब कि अटेम्प्ट या उसका दुष्प्रेरण है ना, अबेटमेंट, तो इन सब ये सभी अपराध अगर ऐसे किसी न्यायालय में किए जाते हैं तो वहां पर जो है कौन कौन व्यक्ति है या कौन कौन प्राधिकारी है जो कंप्लेंट ला सकता है उसके अभियोजन के लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसके विरुद्ध। तो यहां पर तीन लोग हैं, पहले नंबर पर वो न्यायालय स्वयं, दूसरे नंबर पर लिखित प्राधिकार से अगर जो है ऐसे न्यायालय ने किसी को प्राधिकृत कर रखा है किसी अधिकारी को वो, या तीसरे नंबर पर जिसके वो न्यायालय सबऑर्डिनेट है वह जो है न्यायालय में मामला जो है क्षेत्राधिकारता वाले न्यायालय में अभियोजन के लिए परिवाद दाखिल कर सकता है। अब इसी के साथ साथ सेक्शन 195 का जो उपधारा 3 है, सब सेक्शन 3 है, यहां पर जो है यह बताता है कि भाई जो न्यायालय शब्द है, यहां पर जो न्यायालय शब्द उपयोग किया गया है, ये जो न्यायालय शब्द है इस शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या बताया गया है, इसमें सिविल न्यायालय शामिल है, राजस्व न्यायालय शामिल है, दंड न्यायालय शामिल है। तीन बात हो गई, कौन कौन सी, पहला सिविल न्यायालय, दूसरा राजस्व न्यायालय, तीसरा दंड न्यायालय, और चौथे नंबर पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कोई ऐसा अधिकरण, कोई ऐसा ट्रिब्यूनल जिसको कि उस अधिनियम ने, जिस अधिनियम के तहत वो ट्रिब्यूनल या वो अधिकरण गठित किया गया है उस अधिनियम ने अगर उस अधिकरण को न्यायालय घोषित किया है तो वहां पर वह अधिकरण भी इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय माना जाएगा। तो यहां पर सबसेक्शन 3 में यह बात उल्लिखित है। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 4 है
इसके अंतर्गत यह बताया है कि भाई न्यायालय जो है यह न्यायालय का किसके सबॉर्डिनेशन में होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी न्यायालय जो है किसके सबॉर्डिनेशन में होता है, हमेशा कोई भी न्यायालय उस न्यायालय के सबॉर्डिनेशन में होता है जिसकी उस न्यायालय के आदेश की अपील होती हो। इस जैसे कि कोई भी न्यायालय है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्यायालय आप एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्यायालय जिस मामले में जो निर्णय दे रहा है उस निर्णय की जहां अपील होगी, जिस कोर्ट में अपील होगी, वह न्यायालय उसके सबॉर्डिनेशन में होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक न्यायालय जो है सिविल अधिकारिता भी रखता है और दंडिक अधिकारिता भी रखता है, तो ऐसी स्थिति में इनकी प्रकृति अलग है, मामलों की प्रकृति अलग है। तो यहां पर जिस मामले में ऐसे लोक प्राधिकारी के समक्ष यह आईपीसी के निम्नलिखित अपराध किए गए हैं, उस मामले का अगर वो सिविल प्रकृति का है तो सिविल के हिसाब से देखेंगे, अगर वो दंडिक प्रकृति का है तो दंडिक प्रकृति के हिसाब से देखेंगे। उस मामले की प्रकृति के अनुसार जहां भी अपील होती है तो वह किसके अधीनस्थ माना जाएगा, उस अपीलेट कोर्ट के अधीनस्थ माना जाएगा। इसके बारे में प्रोविजन जो है सब सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है। तो यहां पर मित्रों आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर जो है आपको एक सेक्शन जो है कंप्रेस कर और बहुत ही आसान भाषा में आपको यहां पर बतलाया है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 4 के ऊपर जिसमें हमने जो है अन्य बातों को रखा है, तो उनको देखते हैं। मित्रों चैप्टर 14 का जो हमारा अगला पार्ट है पार्ट 4, इसमें जो है विशेष प्रकार के अभियोजनों को हमने शामिल किया है सेक्शन 196 से लेकर सेक्शन 199 तक। मित्रों अब इन सेक्शंस को हम जो है 1x1 एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 196 और सेक्शन 197 को एक साथ देख रहे हैं। आप भी इनको जब भी पढ़ें दोनों को एक साथ पढ़िएगा, आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो सेक्शन 196 क्या कहता है, सेक्शन 196 कहता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। तो इस सेक्शन में जो है अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अपराध करता है या फिर राज्य के विरुद्ध अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र करता है तो उसके संबंध में राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी के बारे में प्रावधान है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आईपीसी के अध्याय 6 जो कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान करता है, अगर उन अपराधों के लिए कोई व्यक्ति जो है दोषी है या किसी व्यक्ति के ऊपर अभियोग है तो वहां पर कार्यवाही अगर करना है तो कोई न्यायालय जो कि ऐसे मामलों का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है तभी संज्ञान लेगा जब अगर वह अपराध राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति ले ली हो, अगर वह अपराध केंद्र सरकार से संबंधित है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति पर ही ऐसा न्यायालय संज्ञान लेगा। तो यहां पर जो है इसके संबंध में प्रावधान है 2008 में इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन क्लॉज 1A जोड़ा गया जिसके अंतर्गत विशेष रूप से ऐसे अपराध जो कि सेक्शन 153B जो कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है या राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान से संबंधित अपराध हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करता है या फिर आईपीसी की धारा 505 के उपधारा 2 के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शत्रुता पैदा करने वाले अपराध करता है, तो यहां पर जो है इन दोनों के अंतर्गत जो है या ऐसे अपराधों का आपराधिक षड्यंत्र करता है, तो इन अपराधों के संबंध में जो है विशेष प्रावधान दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे अपराध करेगा तो उसे केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी, अपराध करने के लिए नहीं, उसे जो है अगर किसी व्यक्ति को कार्यवाही करना है न्यायालय में और न्यायालय संज्ञान लेना चाहता है तो न्यायालय जो है क्या करेगा, यह देखेगा कि भाई केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई है कि नहीं ली गई है, अगर राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य सरकार से मंजूरी ली गई है या नहीं ली गई है। और इसी के साथ साथ यहां पर विशेष बात यह करी गई है कि ऐसे अपराध जो है अगर राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी या फिर जिला मजिस्ट्रेट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है पूर्व मंजूरी पर भी आगे जाकर इसमें संज्ञान हो सकेगा। अब यहां पर इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि ये सेक्शन जो है
उस व्यक्ति को नहीं रोकती है जो न्यायालय में अभियोजन लाना चाहता है। यह सेक्शन जो है न्यायालय को रोकती है, न्यायालय को कहती है कि आप संज्ञान मत लेना जब तक कि पूर्व मंजूरी प्राप्त ना कर ले। तो यहां पर जो है इसके संबंध में प्रावधान है। अब इसी के साथ साथ जो सब क्लॉज टू है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से कि ऐसे अपराध जो कि आपराधिक षड्यंत्र के अपराध है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी संबंधित अपराध है और वे अपराध 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, कितने? 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय। अब इसकी जरा लैंग्वेज हम देख लेते हैं जिससे कि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें कहा गया जो ऐसे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, भिन्न का मतलब ऐसे अपराध जो 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे आपराधिक कह सकते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र का अपराध करता है तो वहां पर जो है राज्य सरकार से या जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। जब पूर्व मंजूरी ले ली जाएगी तभी न्यायालय में जो है कंप्लेंट दायर की जा सकती है और न्यायालय जो है ऐसी मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही ऐसे मामले का संज्ञान ले सकता है। तो इसके संबंध में यहां पर प्रावधान है। लेकिन इसी के साथ साथ विशेष बात यहां पर एक परंतु में जोड़ी गई है कि अगर वह अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 195 के अंतर्गत आता, अभी हमने सेक्शन 195 देखी, अगर उसके अंतर्गत वह अपराध आता है तो वहां पर पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पूर्व मंजूरी के प्रावधान जो है सेक्शन 195 के तहत हो गए। तो इसमें जो है यह प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ जो इस सेक्शन का जो सब क्लॉज 3 है इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार पूर्व मंजूरी देने से पहले क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है किसी पुलिस अधिकारी से कि भाई पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि ऐसा अपराध जो है घटित हुआ है, क्या क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं। जब राज्य सरकार इन्वेस्टिगेशन करा लेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वह ऐसा उचित समझता है कि न्यायालय में अभियोजन चलाना चाहिए तो वह मंजूरी देगा और उस मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही न्यायालय उस मंजूरी को देखने के बाद ही जो है उस मामले का संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेगा। मतलब यहां पर जो है अपेक्षित शर्त क्या है, यहां पर अपेक्षित शर्त है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार जो है पूर्व मंजूरी लेने पर ही विचारण जो है न्यायालय आगे चलाएगा, संज्ञान आगे लेगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली सेक्शन है सेक्शन 197, यह बोलता है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। मतलब कि अगर किसी न्यायाधीश पर या किसी लोक सेवक पर अभियोजन चलाना है तो इस सेक्शन के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं कि यहां पर अगर वह न्यायाधीश या लोक सेवक जिस प्राधिकारी के अधीनस्थ है, जिस सरकार के अधीनस्थ है, उस सरकार से उस प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी यहां पर लेनी होगी, न्यायालय में वाद लाना है तो पूर्व मंजूरी लेनी होगी और न्यायालय जो है तभी संज्ञान लेगा जब यह पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाए। अब यहां पर एक विशेष बात और ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि लोक सेवक जो है कार्यवाही कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वह कार्य जो है जिसके लिए अभियोजन चलाना है वह उस कार्य से संबंधित ही होना चाहिए। लोक सेवक जो है अपने पद के निर्वाहन में कार्य करते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए अभियोजन चलाना है वही होना चाहिए। यहां पर न्यायाधीशों के लिए भी वही है कि न्यायाधीश जो है अपने पदीय रूप में कार्य कर रहे थे और उस कार्य करने के दौरान कोई उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसके लिए अभियोजन चलाने की बात यहां पर कही जा रही है तो वहां पर जो है सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जा सकता है। अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि देखिए कभी कभी राज्य में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी शक्तियां किसके कंट्रोल में हो जाती हैं, केंद्र सरकार के कंट्रोल में हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस अवधि के दौरान अगर किसी लोक सेवक ने कोई कार्रवाई की, कुछ एक्शन लिए और उसमें अगर उसके लिए जो है उस लोक अभियोजक के उस लोक प्राधिकारी के ऊपर अगर कार्यवाही चलानी है तो वहां पर केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी, या फिर ऐसा कोई लोक सेवक है
जो कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है या केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करता है, केंद्र सरकार ने उसको जो है नियुक्त किया है, तो वहां पर केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो इसमें जो है इन्हीं सब बातों के बारे में प्रावधान किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 197 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं हमारी अगली सेक्शन जो है सेक्शन 198 में क्या कहा गया है। इसी के साथ साथ सेक्शन 198 ए और बी भी हम देखेंगे। मित्रों जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 198, यह कहती है विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। देखिए मित्रों आईपीसी का जो चैप्टर 20 है अध्याय बी जो है वह क्या बताता है, विवाह से संबंधित अपराधों के संबंध में बात करता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी अपराध आते हैं जो कि विवाह के विरुद्ध हैं, उन अपराधों में अगर अभियोजन किया जाना है तो यह सेक्शन प्रोवाइड करती है कि ऐसा अभियोजन जो है व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही किया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है व्यथित है उसकी कंप्लेंट पर ही न्यायालय संज्ञान करेगा, किसी अन्य व्यक्ति की कंप्लेंट पर नहीं करेगा। लेकिन यहां पर इस जो नियम है इसका अपवाद दिया हुआ है परंतु में, तीन अपवाद है परंतु जो है तीन परिस्थितियों का उल्लेख करता है अपवादी परिस्थितियों का, जिसमें पहला कहता है जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, मतलब जो भी व्यक्ति है चाहे महिला हो या पुरुष हो 18 वर्ष से कम है या जड़ या पागल है या रोग या अंग शैथिल के कारण परिवाद करने में असमर्थ है या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए। वहां जो है परिवाद कैसे किया जा सकता है, परिवाद जो है अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है लेकिन न्यायालय की परमिशन से, न्यायालय से परमिशन ले ले कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि सेक्शन 198 के सब क्लॉज 1 के का खंड में आती हैं, तो इसके अंतर्गत जो है न्यायालय अगर उचित समझता है और परमिशन दे देता है तो अन्य व्यक्ति भी मामले जो है न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकता है। इसके बाद जो है इसका बी खंड कहता है कि जहां ऐसा व्यक्ति पति है, मतलब व्यथित व्यक्ति पति है और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिसके बारे में उसके कमान ऑफिसर ने यह प्रमाणित किया है कि उसके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि अगर कोई पति है और पति जो है संघ के सशस्त्र बलों में काम कर रहा है, अब अगर वो व्यक्ति जो है छुट्टी लेना चाहता है तो उसका कमांड ऑफिसर उसको छुट्टी नहीं देता है, तो यहां पर जो है उसका कमांड ऑफिसर यह कह सकते हैं शपथ पत्र या प्रमाणित कर देता है कि उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय जो है पति द्वारा जिस व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है कंप्लेंट करने के लिए परिवाद करने के लिए उस कंप्लेंट पर भी मामले का संज्ञान कर सकता है। यहां पर बी पॉइंट में यह बात कही गई है। अब इसके बाद जो इसका सी खंड है यह बोलता है जहां भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 में आईबीसी में क्या दिया हुआ है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह रीमैरिज करने वाला द्विविवाह बाइगेमी का ऑफेंस है, या धारा 495 पुनः विवाह करना जो है पुनर्विवाह करना और उस व्यक्ति जिस व्यक्ति से विवाह किया जा रहा है उससे छुपाकर कि उसका पहले विवाह हो चुका है ऐसा विवाह करना जो है 495 के अंतर्गत आएगा, अपराध है के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति अगर पत्नी है, ध्यान रखिए कौन है, पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता माता भाई बहन जो भी उसके रिश्तेदार हैं उनके द्वारा परिवाद किया जा सकता है या फिर न्यायालय की इजाजत से जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जा सकता है जो कि उससे रक्त संबंधित है या फिर उससे जो है कह सकते हैं कि दत्तक ग्रहण है या विवाह के रूप में विवाह के कारण उससे संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति भी जो है न्यायालय में परिवाद कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट है कि भाई व्यथित पक्षकार ही कंप्लेंट कर सकता है और उसके लिए तीन अपवाद दिए हैं जो कि अलग अलग परिस्थितियां बतलाते हैं। अब इसके बाद जो है इस सेक्शन का सब क्लॉज 2 देखिएगा। इस सब क्लॉज 2 में जो है क्या बताया गया है कि 497 के तहत आने वाले अपराध आईपीसी के और 498 के अंतर्गत आने वाले अपराध आईपीसी के
के संबंध में व्यवस्था है। लेकिन अब यहां पर कुछ परिस्थितियां चेंज हो गई। चेंज क्या हुई है कि एक केस हुआ जोसेफ सिने वर्सेस भारत संघ। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सीआरपीसी की सेक्शन 198 के सब क्लॉज 2 को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। कारण क्या था? सेक्शन 498 के अंतर्गत जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करेगा, एडल्ट्री करेगा, जारकम करेगा, तो उसमें जो है पत्नी जो है एक संपत्ति की तरह उसको माना गया था। न्यायालय ने कहा कि यहां पर जो है पत्नी को एक संपत्ति माना जाता है जो कि व्यवहारिक नहीं है, संविधान के विरोध में है। तो सेक्शन 497 आईपीसी को असंवैधानिक घोषित किया और उसी के प्रभाव के कारण यहां पर सेक्शन 198 के सब क्लॉज 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब इसके बाद जो है हमारी इसमें सब क्लॉज 3 जो है ये क्या कहता है, बात समझिएगा। सब क्लॉज 3 कहता है कि जहां पर कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति मामला ला रहा है, अगर वो 18 वर्ष से कम आयु का है, बात समझिएगा, 18 वर्ष से कम आयु का है, तो जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का उसकी ओर से जो वाद लाएगा या कंप्लेंट दायर करेगा वो कौन होना चाहिए? इन जनरली वह व्यक्ति जो है कौन होना चाहिए, तो संरक्षक होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए उसका। लेकिन अगर गार्जियन से भिन्न कोई व्यक्ति न्यायालय में कंप्लेंट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है तत्परिस्थितियों को देखते हुए उसके जो एक्चुअल गार्जियन है या फिर न्यायालय द्वारा जो संरक्षक नियुक्त किए गए हैं उनकी बात सुनने के बाद, उनके कथनों को सुनने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद ही आगे इस मामले में परिवाद पर कंप्लेंट पर कार्रवाई करेगा। तो यहां पर यह उपबंध किया गया है। अब इसके बाद आप इस सेक्शन में जो सब क्लॉज 6 है उसको देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यह कहता है कि उपधारा 6 है ना, कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 से तात्पर्य 376 क्या है, रेप है ना, रेप से संबंधित अपराध, तो के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन करता है, मतलब 376 के अंतर्गत आता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन का अपराध है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक लिमिटेशन दी गई है जिसको अपने को ध्यान रखना है। क्या कहा गया है, उस दशा में ना करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है, मतलब कि लिमिटेशन है, जब ऐसा अपराध किया गया था उस तारीख से एक साल के भीतर कंप्लेंट दायर करना है, उसके बाद अगर दायर की जाएगी तो न्यायालय जो है उसको टाइम बार्ड मान लेगा, जो है उसको मान लेगा कि लिमिटेशन से बाहर मामला है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 198 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान है जो कि परीक्षा के लिए की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो है सेक्शन, अगली सेक्शन है सेक्शन 198A। तो सेक्शन 198A क्या कहता है, ये कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराधों का अभियोजन। अब आईपीसी की सेक्शन 498A में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पति या पति के नातेदार द्वारा पत्नी के साथ या महिला के पत्नी के साथ क्रूरता करना, क्रुएल्टी करना। तो ये जो अपराध हैं, इन अपराधों का न्यायालय परिवाद कैसे सुनेगा या क्या शर्तें हैं इस मामले के अभियोजन के लिए? तो अपेक्षित शर्तें इसमें यह बताया गया है कि ऐसा परिवाद जो किया जाएगा ना, ये परिवाद जो है या तो पुलिस रिपोर्ट पर किया जाएगा, बात समझ नहीं, पुलिस रिपोर्ट मतलब हमारी जो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पर आती है, अब मैं फिर से सेक्शन नहीं दोहराऊंगा, पहले मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। तो पुलिस रिपोर्ट पर जो है अगर आया है तो पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय संज्ञान लेगा, या फिर आप समझिएगा, या फिर अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा जो कंप्लेंट दायर की जाएगी उससे किया जाएगा, या उसके पिता माता भाई बहन द्वारा, या उसके पिता अथवा माता के भाई बहन द्वारा परिवाद जो है ग्रहण किया जाएगा, या फिर उस महिला से या उससे जो है रक्त संबंध कोई व्यक्ति है, ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति है, या दत्तक ग्रहण के कारण कोई रिश्तेदार उसका है, तो वह व्यक्ति भी जो है न्यायालय में परिवाद कर सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत। केवल लिमिटेड लोग हैं जो कि इस सेक्शन में परिवाद कर रहे हैं। न्यायालय कैसे कैसे संज्ञान लेगा, सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट पर, उसके अलावा और क्या क्या करेगा, वो महिला खुद जो है कंप्लेंट करे उस पर, या फिर उसके महिला के पिता माता भाई बहन ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। इसी के साथ साथ अगर उसके कोई दत्तक के कारण रिलेशन बन गया है या जो है रक्त संबंध उसके हैं, तो यहां पर जो है
वह उन व्यक्तियों की कंप्लेंट पर भी न्यायालय संज्ञान ले लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यायालय की इजाजत से, मतलब इस सेक्शन के तहत परिवाद दाखिल करने से पहले जो है न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ेगी, और न्यायालय इजाजत दे देता है तो ये निम्नलिखित लोग जो है सेक्शन 198 में जो लोग प्रोवाइडेड है सेक्शन 198A में, वो लोग भी परिवाद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है सेक्शन 198B जो है ये क्या कहती है, ये कहती है अपराधों का संज्ञान। कौन से अपराधों का संज्ञान? तो IMP बात अपने दिमाग में बताइए, 376B के अंतर्गत। तो 376B है क्या? 376B बोलती है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान क्या करना, मैथुन करना। मतलब कि जब न्यायालय ने जुडिशियल सेपरेशन कर दिया है, पृथक्करण कर दिया है, उस दौरान पत्नी के साथ अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती मैथुन करता है, तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन में सेक्शन 198B में क्या व्यवस्था दी गई है। अब इस सेक्शन को आप ध्यान रखिए, ये सेक्शन 2013 के द्वारा जोड़ी गई अमेंडमेंट से। कौन से अमेंडमेंट से? 2013 के अमेंडमेंट से सेक्शन 198B जोड़ी गई है ICRPC के अंतर्गत, और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मामले का संज्ञान लेगा जो कि IPC की सेक्शन 376B के अंतर्गत अपराध है, तो वहां पर न्यायालय संज्ञान लेने से पहले प्रथम दृष्टया यह देख लेगा कि मामला बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब जो भी न्यायालय के सामने जो है तथ्य लाए जाएंगे उससे पहले वह इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाएगा कि मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मामला बन रहा होगा तो ही न्यायालय संज्ञान लेगा और इसमें जो है कार्रवाई करेगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये तीन सेक्शन जो है यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो मेन बातें थी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारी बातें हमने आपको यहां बताई, बाकी जो कुछ चीजें हमने इसमें छोड़ दी हैं तो उनसे जो है परीक्षाओं में प्रश्न नहीं बनते हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 199 जो बोलती है मानहानि के लिए अभियोजन, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफॉर्मेशन। मित्रों चैप्टर 14 की जो सबसे लास्ट सेक्शन है सेक्शन 199 धारा 199, यह प्रावधान करती है मानहानि के लिए अभियोजन, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफॉर्मेशन। मित्रों आईपीसी का जो चैप्टर 21 है अध्याय 21 है उसमें जो है मानहानि के कृत्य को एक अपराध घोषित किया गया है तथा उसके संबंध में जो है दंड के प्रावधान व्यवस्थित हैं। अब यहां पर जो है सेक्शन 199 जो है यह व्यवस्था करती है कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि के अपराध से अगर व्यथित है, पीड़ित है, तो वह व्यक्ति जो है न्यायालय में अभियोजन ला सकता है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने मानहानि की है। लेकिन अभियोजन लाने से पहले जो है उसे कुछ अपेक्षित शर्तों का पालन करना होगा, तभी जो है न्यायालय ऐसे मामले का, मानहानि संबंधित मामले का संज्ञान ले सकता है। मित्रों सेक्शन 199 जो है इसके अंतर्गत टोटल 6 सबसेक्शंस हैं, उपधाराएं हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 जो है उपधारा 1 जो है यह अपने आप में एक कंप्लीट व्यवस्था करती है, एक कंप्लीट जो है प्रोविजन करती है। वही हम अगर उपधारा 2 को देखें तो उपधारा 2 के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं वह कंप्लीट होते हैं उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5 और उपधारा 6 को एक साथ देखने से। तो यहां पर हम उपधारा 1 को देखें तो उपधारा 1 यह व्यवस्था करती है कि कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति या व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि सेक्शन 199 की जो सबसेक्शन 1 है यह इस बात की डिक्लेरेशन कर देती है कि ऐसे मामले में जो कि मानहानि संबंधित हैं, उन मामलों में जो व्यक्ति व्यथित है, जो व्यक्ति पीड़ित है, वह व्यक्ति जो है न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को जो है ऐसे मामले में परिवाद दायर करने की परमिशन नहीं है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कि कोई व्यथित पक्षकार जो है यह किसी ना किसी कारण से जो है न्यायालय में परिवाद दाखिल नहीं कर सकता है, तो उसके उस स्थिति के संबंध में जो है यहां पर एक परंतु दिया गया है, एक प्रोविजो दिया गया है, वो यह व्यवस्था करता है कि परंतु जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है
अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने में असमर्थ है या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जा सकती या नहीं किया जाना चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद ला सकता है। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति है यह न्यायालय में परिवाद लाने में अक्षम है जो परंतु में रीजन बताए गए उनके कारण, तो कोई अन्य व्यक्ति भी जो है न्यायालय में न्यायालय की इजाजत से जो है इनके लिए जो है इनकी ओर से परिवाद ला सकता है। यह प्रावधान जो है हमारे सेक्शन 199 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत किए गए हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि परिवाद दाखिल कहां करना है, तो सिंपल सी बात है, हमारी सीआरपीसी का जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें जो है यह बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी उस लोकल क्षेत्र में जहां पर की अपराध घटित हुआ है वहां का जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके समक्ष जो है एक कंप्लेंट दायर की जा सकती है। अब वहीं पर हम उपधारा 2 को देखें, सब सेक्शन 2 को देखें, तो यह व्यवस्था करता है ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिनकी मानहानि हुई है, ऐसे व्यक्ति जो है अगर किसी गरिमा में पद पर बैठे हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है, किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे गरिमा में पदों पर बैठे हुए हैं, तो उन व्यक्तियों की अगर किसी ने मानहानि की है, कब मानहानि की है, जब वह या उस कृत्य के बारे में मानहानि की है जब वह अपना लोक कर्तव्य का पालन कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने मानहानि की है परिवाद दाखिल करने के लिए जो है उपधारा 2 से लेकर उपधारा 6 तक में व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले हम उपधारा 2 देखते हैं, ये क्या कहती है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री, मतलब कि इसके अंतर्गत जो है मंत्रियां भी आ गए, मंत्री भी आ गए, और अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंध में नियोजित अन्य कोई लोक सेवक, और भी कोई लोक सेवक जो कि नियोजित किया गया है, उसके लोक कृत्य के निर्वहन में, मतलब जब वह लोक कृत्य का निर्वहन कर रहे थे उसके आचरण के संबंध में, उसके करैक्टर के संबंध में किया गया है, मतलब मानहानि का कथन किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द किए बिना, ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है सेशन न्यायालय मामला आता है लेकिन सुपुर्दगी के बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है। अब यहां पर बहुत बात समझ में आ गई कि भाई ऐसे व्यक्ति जो कि किसी गरिमा में पद पर बैठे हैं, जिनका उल्लेख उपधारा 2 में किया गया है, उन व्यक्तियों की अगर किसी व्यक्ति ने मानहानि की है और कौन से क्रियाकलापों के संबंध में की है जो वह अपने पद पर रहते हुए करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के ऊपर जो है, या उन व्यक्तियों जिन्होंने मानहानि की है ऐसे लोगों की, उनके ऊपर जो है अभियोजन लाया जा सकता है। तो अभियोजन लाएगा कौन, सबसे पहला प्रश्न ये है, तो अभियोजन लाएगा लोक अभियोजक। दूसरी बात, कहां पर लाया जाएगा, तो अभियोजन लाया जाएगा सत्र न्यायालय में। अब सत्र न्यायालय के बारे में आप अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि सत्र न्यायालय में जो मामले लाए जाते हैं वह सामान्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा कमिट किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा जो है उपार्पित किए जाते हैं, लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत धारा 199 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि मानहानि के संबंध में जो मामले हैं वह सेशन न्यायालय जो है बगैर किसी उपार्पण के या बगैर किसी सुपुर्दगी के कर सकता है। तो यह सेशन न्यायालय की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है यहां पर, कि यहां उसे किसी कमिटल की आवश्यकता नहीं है, अपनी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के कारण जो है सेक्शन 199 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आने वाले जो मामले हैं उनको जो है सेशन न्यायालय सीधे ही डायरेक्ट जो है उसका कह सकते हैं संज्ञान ले सकता है। अब इसी के साथ साथ इस सेक्शन में जो सबसेक्शन इसका
फोर है। सबसेक्शन फोर यह व्यवस्था करता है, बात समझिएगा, कि लोक अभियोजक न्यायालय में मामला ला सकता है, अभियोजन ला सकता है, लेकिन उसके पहले, अभियोजन लाने के पहले उसे जो है एक शर्त का पालन करना है। क्या शर्त का पालन करना है, जो कि उपधारा चार में वर्णित है। क्या है, मान लीजिए कि कोई मामला जो है किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित है और उस क्रियाकलाप से संबंधित है जो राज्यपाल रहते हुए उस व्यक्ति ने किए, तो ऐसी स्थिति में लोक अभियोजक मामला लाएगा, अभियोजन लाएगा, तो उसे राज्य सरकार से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। वहीं अगर किसी मंत्री के संबंध में है तो वहां पर भी राज्य सरकार, कुल मिलाकर आप इतनी सी बात समझिए, वो अधिकारी या वो पद आसीन व्यक्ति जो है जिस सरकार के अंतर्गत आता हो, राज्य सरकार के अंतर्गत आता होगा तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना है, और अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेकर ही सत्र न्यायालय में अभियोजन लाया जा सकता है, कंप्लेंट दायर की जा सकती है। अब इसी के साथ साथ इस सेक्शन में जो है इस इन मामलों के लिए जो कि उपधारा दो के अंतर्गत आते हैं, इन मामलों के लिए एक लिमिटेशन दी है। लिमिटेशन क्या दी है कि भाई जिस तारीख को या जिस समय पर यह अपराध घटित हुआ है उस तारीख से 6 माह के भीतर अभियोजन लाना है। 6 माह के बाद अगर अभियोजन न्यायालय में लाया जाएगा तो वह टाइम बार्ड होगा, न्यायालय एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब कि लिमिटेशन कितनी है, 6 मंथ की, 6 महीने के भीतर जो है कंप्लेन न्यायालय में दायर करनी है। अब इसके बाद जो है जब भी हम इन क्लॉजेस को पढ़ते हैं तो हमें जो है हमेशा एक सेक्शन और है 237 पढ़ना चाहिए। 237 सेक्शन जो है यह सेशन न्यायालय की ट्रायल का एक पार्ट है। यह सेक्शन व्यवस्था करती है कि धारा 199 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आने वाले जो मामले हैं उनमें सेशन न्यायालय जो है किस प्रकार से ट्रायल चलाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, कॉमन पर्सन क्या समझेगा कि भाई सेशन न्यायालय में मामला आया है तो सेशन ट्रायल चलेगा, लेकिन यहां पर एक व्यवस्था की गई है जो थोड़ा हटके है। ये कहती है कि सत्र न्यायालय जो है ऐसे मामलों का विचारण पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर, जो वारंट मामले होते हैं उनमें जो ट्रायल चलती है उसी ट्रायल के अकॉर्डिंग जो है यहां पर इन मामलों का विचारण किया जाएगा। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में गलत कर जाते हैं लोग। तो यहां पर कौन सी ट्रायल चलेगी, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर वारंट मामलों की जो ट्रायल है उस ट्रायल का उपयोग सेशन न्यायालय यहां पर कर इन मामलों का विचारण करेगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो फैक्ट है जो 237 सेक्शन में दिया गया है कि अगर मान लीजिए ट्रायल चलाने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, या न्यायालय जो है मामले को संज्ञान लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो है आरोप लगाए गए हैं वह निराधार थे, वो जो आरोप थे उसका कोई आधार ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो न्यायालय में अभियोजन लाया है उस व्यक्ति के ऊपर जो है 1,000 रुपए का कंपनसेशन देने का दायित्व डाल सकता है। किस व्यक्ति को, जिसके ऊपर जो है अभियोजन लाया गया, मतलब जो व्यक्ति न्यायालय में कंप्लेंट लेकर आया वो गलत कंप्लेंट लेकर आया है, तो न्याय और किन मामलों के संबंध में, इतने बड़े महान भवों के संबंध में और सेशन न्यायालय ट्राई किया है, तो न्यायालय का यहां पर टाइम खराब किया, तो आगे कोई व्यक्ति ऐसा ना करे। तो यहां पर एक व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट लाया है उसके ऊपर न्यायालय जो है एक कंपनसेटरी क्या कर सकता है, एक लायबिलिटी डाल सकता है कि आप जो है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर अभियोजन चलाया गया है उसको जो है 1,000 रुपए तक का कंपनसेशन दीजिए। अब 1,000 रुपए तक में जो न्यायालय तय कर दे, भाई 500 रुपए तय कर दे, 800 रुपए तय कर दे, यह न्यायालय के विवेक पर है, तो वह कंपनसेशन की प्रावधान जो है कंपनसेशन भी दिलवा सकता है ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अभियोजन चलाया गया है। तो यहां पर जो है इस सेक्शन में यह सारी व्यवस्था है जो कि मानहानि के अभियोजन के संबंध में, मानहानि के मामले जब न्यायालय में अभियोजित किए जाएंगे तो उससे पहले जो है क्या अपेक्षित शर्तें हैं उसके बारे में यह सेक्शन यहां पर व्यवस्था करती है। मित्रों इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा लेंथी वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 14 को पूरा कंप्लीट यहां पर देखा है, जिसमें जो महत्वपूर्ण बातें परीक्षाओं के लिए हैं उन सबको आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहां पर
कवर किया है। तो मित्रों इसी के साथ हम जो है आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है सीआरपीसी का चैप्टर 15 जो कि मजिस्ट्रेटों से परिवाद के संबंध में प्रावधान करता है, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।